क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग्स को देखा है जिनका स्ट्रक्चर हमारी नॉर्मल बिल्डिंग्स से बिल्कुल ही अलग होता है? मतलब कि जैसे हमारी बिल्डिंग्स होती हैं बिल्कुल सीधी, ऐसी बिल्डिंग ना होकर उन बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग होता है। जिन बिल्डिंग्स की खिड़की कहीं और होगी और गेट भी टेढ़ा मेढ़ा होगा, ऐसी बिल्डिंग जो नॉर्मल बिल्डिंग से बिल्कुल ही अलग दिखती है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उन बिल्डिंग्स को बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया जाता है। और कुछ घरों को तो बिल्कुल ही उल्टे तरीके से बना दिया जाता है, मतलब कि छत वाला हिस्सा जमीन की तरफ रहता है और जमीन वाला हिस्सा आसमान की तरफ रहता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए उन टॉप 10 बिल्डिंग्स की लिस्ट लेके आया हूँ जिन बिल्डिंग्स को बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया जाता है। और मैं एक बात बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जिन बिल्डिंग्स की आज की वीडियो में मैं लिस्ट लेके आया हूँ, उनमें से आपने किसी भी बिल्डिंग को नहीं देखा होगा। अगर आपने इस बिल्डिंग की लिस्ट में से किसी भी एक बिल्डिंग को देखा हो या सुना हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को, टॉप 10 अनबिलीवेबल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो गाइस, नंबर 10 पर है द क्रॉक्ड हाउस। ये हाउस पोलैंड में है और इस घर को देखने के बाद आपको लग भी रहा होगा कि भाई ये कैसा घर है यार। इस घर को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे आंखों पर कोई मोटा सा चश्मा लगा लिया हो और सामने की सारी चीजें टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हो। इस घर को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि इस घर की खिड़कियां और दरवाजा सारी ही चीजें टेढ़ी नजर आती है। ये घर एक शॉपिंग सेंटर का हिस्सा है जहाँ पर बहुत सारे लोग शॉपिंग करने आते हैं और इस घर में भी घूमने आते हैं। इस हाउस को वहाँ के लोग क्रेजी डोमिक नेम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में क्रॉक्ड हाउस नाम से बुलाया जाता है। इस हाउस को आगे से देखने के बाद आप सभी को लग रहा होगा कि भाई ये कोई छोटा मोटा हाउस होगा, लेकिन ये कोई छोटा मोटा हाउस नहीं है। ये पूरा हाउस 4000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर इस घर को देखने हर साल बहुत सारे लोग आते हैं। नंबर 9 पर है क्यूब हाउस। ये हाउस नीदरलैंड में है। इन हाउसेस को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि मानो नीचे की तरफ किसी खंभे को खड़ा कर दिया है और उसके ऊपर किसी क्यूब बॉक्स को रख दिया गया है। वैसे गाइस, नीदरलैंड में ये छोटे छोटे घर है जिन घरों में लोग रहते भी है। ये हाउसेस कुछ इस तरीके से बने हैं कि ये 45 डिग्री तक झुके हुए रहते हैं। इन क्यूब्स को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई इस घर में कितने लोग रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक लोग रह सकता है? तो नहीं मेरे भाई, इसमें 2 से 3 लोग रह सकते हैं। और इस पूरे क्यूब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक ग्राउंड फ्लोर होती है, उसके ऊपर बेडरूम होता है और उसके ऊपर किचन बाथरूम सारी चीजें होती है। तो ऐसे हाउस में 2 लोग तो आराम से रह सकते हैं। ये हाउस कोई अभी से बनना स्टार्ट नहीं हुए हैं। नीदरलैंड में इन हाउसेस को लोग 1974 से बनाते आ रहे हैं। नंबर 8 पर है वास्केट बिल्डिंग। ये बिल्डिंग यूएसए में है और जो इस बिल्डिंग का नाम है वास्केट बिल्डिंग, ये बिल्डिंग दिखती भी वैसी ही है। मतलब कि इस बिल्डिंग को एक वास्केट की तरह ही बनाया गया है। द वास्केट बिल्डिंग में टोटल 7 फ्लोर्स हैं और इस बिल्डिंग को 1997 में बना के कम्प्लीट कर दिया गया था। वैसे गाइस, हर वास्केट का एक वजन होता है, तो इस वास्केट का भी एक वजन है जो की है 150 टन। ये पूरी बिल्डिंग 150 टन की है। ये बिल्डिंग कोई होटल वगैरह नहीं है जहाँ पर लोग खाना खाने आते हो। इस घर में बहुत सारे लोगों की फैमिली एक साथ रहती है। नंबर 7 पर है स्टोन हाउस। ये हाउसेस पुर्तगाल में होते हैं और नाम सुनते ही आप समझ ही गए होंगे कि भाई स्टोन हाउस, तो पत्थर के अंदर ही ये हाउस होते होंगे। इन हाउसेस को पत्थर को काट के बनाया जाता है और ऐसा नहीं है कि ये पूरा हाउस पत्थर का ही होता है। इन हाउसेस में कंक्रीट, बालू, इन चीजों का भी यूज किया जाता है। इस घर में छत, खिड़की सारी चीजें होती हैं। लोग इन घरों में रहने के लिए दूर दूर से आते हैं। पुर्तगाल में ये घर ज्यादातर पहाड़ों पर ही होते हैं। नंबर 6 पर है कैंसस सिटी लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी यूएसए में है और इस लाइब्रेरी की बिल्डिंग को कुछ इस तरीके से बनाया गया है जैसे बुक्स को एक साथ रख दिया हो और उसके अंदर किसी बिल्डिंग को बनाया गया है। ये लाइब्रेरी एक पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ पर दिन में बहुत सारे लोग पढ़ने आते हैं और इस लाइब्रेरी को 1873 में बनाया गया था। ये यूएसए की सबसे ओल्ड और 3rd सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में पुराने समय की बुक्स, मैप, पोस्ट कार्ड और बहुत साल पुरानी पिक्चर्स भी रखी हुई है। नंबर 5 पर है हैबिटेल 67। ये बिल्डिंग कनाडा में है। इस पूरी बिल्डिंग को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई ये किस तरह की बिल्डिंग है, न सीधी न टेढ़ी, बस एक के ऊपर एक घर रखा हुआ है। तो गाइस, इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 12 फ्लोर्स हैं। इस बिल्डिंग को देखने में लगता नहीं है कि भाई इस बिल्डिंग में 12 फ्लोर्स होंगे क्योंकि इसकी हर एक फ्लोर को बहुत छोटा करके बनाया गया है। इस पूरी बिल्डिंग में टोटल 158 रूम्स हैं। इस बिल्डिंग को पूरी साल में बहुत सारे लोग देखने आते हैं। नंबर 4 पर है द साइबर टेक्सचर एग। ये बिल्डिंग हमारे इंडिया में ही मुंबई में है। इस बिल्डिंग को एक अंडे की तरह डिजाइन किया गया है जिसमें टोटल 14 फ्लोर्स होंगे। ये बिल्डिंग पूरी ग्लास से कवर होगी। ये बिल्डिंग एक एग की तरह होने से नॉर्मल बिल्डिंग से काफी अलग है। नंबर 3 पर है वार्डन गैंगस्टर हाउस। ये हाउस रसिया में है और इस हाउस को पूरा लकड़ी से बनाया गया और ये अमेजिंग हाउस जिसने बनाया उसे इस हाउस को बनाने में 15 साल लगे। और इस हाउस को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई ये 4-5 मंजिल का ही घर होगा, लेकिन ये 4-5 मंजिल का घर नहीं है, ये घर पूरा 13 मंजिल का है। ये घर सर्दियों में पूरा बर्फ से ढक जाता है। नंबर 2 पर है हाउस अटैक। ये बिल्डिंग ऑस्ट्रिया में है। इस घर को देखने के बाद लगता है कि भाई मानो बड़े घर पर किसी ने छोटा सा घर फेंक के मार दिया हो, क्योंकि इस हाउस को इसी तरह से बनाया गया है या
फिर तो ऐसा भी कह सकते हैं कि मानो आसमान से कोई छोटा सा घर गिरा और इस घर पर आके अटक गया। इस हाउस को भी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नंबर एक पर है वंडर वर्क्स। ये हाउस यूएसए में है। इस हाउस को बिल्कुल ही उल्टा बनाया गया है, और ऐसा नहीं है सिर्फ ये हाउस ही उल्टा हो, इस हाउस के अंदर की भी सारी चीजें उल्टी ही हैं। इस हाउस को यूएसए में बहुत सारे लोग देखने जाते हैं क्योंकि ये हाउस एक छोटा सा म्यूजियम भी है। इस बिल्डिंग के अंदर जाते ही अच्छे अच्छों का दिमाग घूम जाता है क्योंकि इस घर में सारी ही चीजें, ऑलमोस्ट सारी ही चीजें उल्टी हैं। जब भाई घर ही उल्टा है तो इसके अंदर की चीजें भी उल्टी ही होनी चाहिए। इस घर के अंदर जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इस घर में बहुत सारी 3D इमेजेस को भी बनवाया गया है और घर के अंदर ही बहुत सारी चीजें खेलने के लिए भी हैं। तो गाइस ये थी वो बिल्डिंग्स जिनके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना होगा और ना ही किसी वीडियो में आपने देखा होगा। अगर आपने इन सभी बिल्डिंग्स में से किसी भी एक बिल्डिंग को कहीं पर भी देखा हो या कहीं पर भी सुना हो तो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि वो कौन सी बिल्डिंग है जिसके बारे में आपने पहले से ही सुना हुआ है। तो गाइस आपको इन सभी टॉप 10 बिल्डिंग्स में से सबसे बेस्ट बिल्डिंग कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिससे उन्हें भी इन बिल्डिंग्स के बारे में पता चल सके।